तो आपका स्वागत है हमारे चैनल मेक इट इजी हैशटैग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। हम लोग बात कर रहे थे, हमने सीरीज ऑफ वीडियोस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक एक यूनिट बाय यूनिट हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में डेडलॉक के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल। हम लोग हर एक चीज यहाँ पे बारीकी से देखेंगे, डेडलॉक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे होता है, हर चीज को बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत ही आसान कर देंगे अपने इस थ्योरी को। ठीक है, तो मैं बिना देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। आप जरूर ये वीडियो को पूरा आखिरी तक के देखिए, आपको जरूर बहुत 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 फायदा होगा इस वीडियो से। ठीक है, ये जो थ्योरी पार्ट है बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आराम से आप इस पेपर में स्कोर कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं अपने पहले टॉपिक से, डेडलॉक। तो डेडलॉक क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कुछ ही ना, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कंप्लीट फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड इफ रिसोर्सेज इज नॉट अवेलेबल एट दैट इंस्टेंट देन प्रोसेस एंटर अ वेटिंग स्टेट। तो भैया क्या है डेडलॉक, तो डेडलॉक क्या है, देखिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम्स में ही डेडलॉक लगे, रियल लाइफ में भी हम लोग के काफी डेडलॉक लगते हैं। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं आखिर डेडलॉक होता क्या है, फिर हम लोग ये इंग्लिश में देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है, ये चीजें बहुत आराम से हम लोग को क्लियर हो जाएंगी। तो मान लीजिए हमारे पास तीन आदमी है, ठीक है, तीन आदमी है, ये अपना अपना कुछ कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके पास कुछ सामान है, इसके पास भी कुछ सामान है, इसके पास भी कुछ सामान है। अब ये जो काम कर रहा था ए, ये अपने काम में बीच में रुक गया। ठीक है, अब ये रुक गया, ये बोलता है कि मेरे को जो काम करना है आगे, तो मेरे को क्या लगेगा, एक ऐसा सामान चाहिए जो बी के पास रखा हुआ है। तो ये बी को बोलता है चल भाई अपना सामान दे तो मेरे को, तो बी बोलता है नहीं नहीं भाई मेरा भी काम अभी अटका हुआ है, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ और मेरा भी काम अटका है, मेरा सामान जो है वो सी के पास है, सी मेरे को दे नहीं रहा है। ठीक है, और सी से वो मांगता है तो वो भी बोलता है कि नहीं नहीं भाई मेरा भी काम क्या है अटका हुआ है, मेरा भी सामान जो चाहिए मेरे को ए के पास रखा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों, ये इससे मांग रहा है, ये इससे मांग रहा है और ये इससे मांग रहा है, और तीनों तब तक नहीं देंगे जब तक कि इनका खुद का काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो क्या कभी इन लोग का काम कंप्लीट होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा इन लोग का काम कंप्लीट। तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पे एक साइकिल बन गया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग देखें पार्टी वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ भी खाना है, जैसे चौमिन खाना है। ठीक है, तो चौमिन खाने के लिए आपको बेसिकली क्या चीज रिक्वायर्ड होगा, एक तो प्लेट होगा और एक स्पून होगा। ठीक है, तो फोर्क जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को दो चीजें चाहिए। तो मान लीजिए आपके एक फ्रेंड को मिल गई प्लेट, ठीक है, अब प्लेट पूरी खत्म हो गई। ठीक है, आपके दूसरे दोस्त को मिल गई स्पून, ठीक है, दूसरे दोस्त मतलब खुद को मिल गई आपको स्पून और दूसरे को मिल गई प्लेट। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, खाना है चौमिन। ठीक है, वो बोलता है कि आपको कि स्पून दे दो और आप उसको बोलते हो कि प्लेट दे दो, लेकिन ऐसा कुछ दोनों एक दूसरे को दे नहीं रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लड़ाई कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, बस चलता जा रहा है ऐसा, और दोनों के दोनों खा नहीं पाते, पूरा का पूरा है खलास। ठीक है, तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोले, डेडलॉक, मतलब काम खत्म ही नहीं हुआ। फिर इसी तरीके से फिर न्यूज आती है अगले दिन की, दोस्त ने ली दोस्त की जान सिर्फ एक चम्मच के कारण। ठीक है, इस टाइप का न्यूज हम लोग सुनने में काफी आता है, ठीक है, छोटी छोटी बात पे। तो यही क्या है, डेडलॉक है। तो क्या होता है प्रोसेस, जैसे कि अब ऐसा तो थोड़ी ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अब हम लोग को चाहिए क्या, स्पून चाहिए तो जाके उसको एक लगाते हैं, जाके स्पून ले लिए, जाके प्लेट चाहिए तो प्लेट में एक लगा के, ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसका हक है उस पर, हमारा भी हक है। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसेस को भी क्या है, हक है उसका रिसोर्स के ऊपर, तो वो क्या कर सकता है, रिसोर्स को जबरदस्ती किसी से नहीं ले सकता। ठीक है, जबरदस्ती हम लोग नहीं कर सकते, तो जबरदस्ती नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या, जब तक खत्म नहीं हो जाता प्रोसेस तब तक के वो क्या होगा, वो अपना काम करते रहेगा। और अगर ऐसा सिचुएशन बन गया जहां पे साइकिल बन जाता है तो क्या होगा, डेडलॉक अराइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं। अब देखिए यहां पर भी एक डेडलॉक का कंडीशन बना है, ये जो मैं ग्राफ बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। क्या होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, तो देखिए गोला जो बना है ये गोल गोल, इसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं, ये जो डब्बा बना है इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब वही जो प्रोसेस को चाहिए, रिसोर्स यहाँ पे लिखा है हर प्रोसेस क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं नंबर ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। अगर लिमिटेड रिसोर्स के लिए कम्पीट ही नहीं करेंगे तो भैया लड़ाई किस बात की होगी, लड़ाई होगी ही नहीं तो कभी डेडलॉक होगा क्या, नहीं होने वाला। इसका मतलब कि एक नॉन शेयरेबल रिसोर्स होगा जिसको सब शेयर नहीं कर सकते, सब शेयर नहीं कर सकते। इसी से क्या होगा, अगर शेयर नहीं कर सकते तभी वहां पे क्या होगा, डेडलॉक अराइज होगा। तो देखिए
इस ग्राफ में अगर ये रिसोर्स इसको पॉइंट कर रहा है ऐसा, तो इसका मतलब क्या है, पी वन के पास आर वन रिसोर्स है, ठीक है। ये रिसोर्स इसको पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब पी टू के पास आर टू रिसोर्स है। अब पी टू बोल रहा है नहीं भाई मेरे को चाहिए आर वन रिसोर्स भी चाहिए, पी वन बोल रहा है नहीं भाई मेरे को आर टू रिसोर्स भी चाहिए। लेकिन जब तक ये लोग अपना अपना रिसोर्स नहीं छोड़ेंगे तब तक इन लोग को मिलेगा क्या, नहीं मिलने वाला। तो इन लोग को नहीं मिलेगा तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक साइकिल बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेडलॉक बोलेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है डेडलॉक के पीछे, बहुत ही सिंपल सा। यहाँ पे हम लोग देख लिए डेडलॉक क्या होता है। दूसरे केस में यहाँ पे क्या लिखा है, इफ अ प्रोसेस इज अनेबल टू चेंज इट्स वेटिंग स्टेट इनडेफिनेटली बिकॉज द रिसोर्स रिक्वेस्टेड बाय इट इज हेल्ड बाय अनदर वेटिंग प्रोसेस देन इट इज सेड टू वेट डेडलॉक। इसका मतलब वही जो हम लोग डिस्कशन किए वही चीज है, मतलब अगर वो वेटिंग स्टेट अगर वो रुक के रखा है अपने आपको कि हाँ भाई उसका काम खत्म होगा तो मेरे को देगा, और अगर ये कभी चेंज ही ना हो कि उसका कभी काम ही खत्म नहीं होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं। इसको हम लोग इन शॉर्ट बोल सकते हैं इनफाइनाइट वेटिंग टाइम, इनफाइनाइट द प्रोसेस इन विच इनफाइनाइट वेटिंग टाइम इज देयर फॉर द ईच एंड एवरी प्रोसेस इज नोन एज डेडलॉक बोल सकते हैं। इनफाइनाइट वेटिंग टाइम हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वेटिंग टाइम, इनफाइनाइट वेटिंग टाइम ही क्या होता है, हमारा डेडलॉक होता है। तो ये हम लोग इस डिस्कशन को हम लोग इतना ही अभी सीमित रखते हैं, अगले हम लोग टॉपिक में हम लोग और डिस्कशन करते हैं डेडलॉक के ऊपर। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग स्विच करते हैं अगले टॉपिक। तो अपने वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, हम लोग देखने वाले नेसेसरी कंडीशन क्या क्या होती है डेडलॉक के लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है इसके पीछे, तो जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं उसकी टर्मिनोलॉजीज के थ्रू क्या क्या हम लोग को लिखना होगा। तो नेसेसरी कंडीशन क्या क्या होती है डेडलॉक के लिए, तो पहला लिखा है यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम से कम एक ना एक रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन शेयरेबल होना चाहिए, नॉन शेयरेबल जिसको शेयर नहीं कर सके कोई प्रोसेस, क्योंकि अगर वो शेयर कर लेगा तो भैया डेडलॉक किस बात का। अगर शेयर कर लेना होता तो लड़ाई ही नहीं होती, और लड़ाई ही नहीं होती तो डेडलॉक कहां से, ठीक है। तो वही चीज लिखा है कि एक ना एक रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि शेयरेबल ना हो, शेयरेबल ना हो। जैसा कि यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट वन रिसोर्स टाइप इन द सिस्टम विच कैन यूज इज नॉन शेयरेबल मोड, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलते हैं। मतलब एक ना एक रिसोर्स क्या होना चाहिए, नॉन शेयरेबल होना चाहिए, जिसके जिसके लिए कम्पीट किया जा रहा हो, ठीक है, हमारे प्रोसेस द्वारा, तो उसके कारण क्या लग जाएगा, हमारा डेडलॉक लग जाएगा, जैसा कि हम लोग पिछले सेशन में देख ले, जस्ट पिछले लेवल में, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होता है, होल्ड एंड वेट कंडीशन। तो इसको तो बिल्कुल समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है और इंडियंस के लिए तो काफी सिंपल सी चीज है कि होल्ड एंड वेट कंडीशन का मतलब, देखिए अगर हम लोग को बहुत सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अगर मान लीजिए ऐसा है कि बहुत सारे, जैसे पिछली बार वाला एग्जांपल अगर लिया जाए, तो अगर हम लोग को क्या करना है, चौमिन खाना है, ठीक है, हम लोग को अगर पहले प्लेट और स्पून चाहिए, तो हम लोग पहले ऐसा करेंगे क्या कि पहले प्लेट और स्पून दोनों जब पहले ढूंढ लेंगे, उसके बाद पहले प्लेट उठाएंगे उसके बाद स्पून, ऐसा करेंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लेट उठा लेते हैं फिर स्पून देखते हैं कि मतलब जितना मिलता है तो पहले ही उसको होल्ड कर लेते हैं, उसके बाद फिर वेट करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारे प्रोसेस भी करते हैं, जितना मिलता है, जैसे पैसे के हम लोग जानते हैं कि जितना पैसा मिलता है पहले उतना ले लेते हैं, भले हम लोग को पूरा पैसा ना मिला हो, लेकिन पहले हम लोग बोल देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि अपने दोस्त वगैरह को, नहीं तू एक साथ बाद में हम लोग को दे, ऐसा नहीं करते हम लोग, क्यों नहीं करते, बहुत बड़ी भूल हो जाती है अगर हम लोग ऐसा बोल दिए कि नहीं नहीं तू एक साथ दे देना, तो एक साथ हमेशा कभी मिलने ही नहीं वाला, मतलब इनफाइनाइट वेटिंग टाइम, और इसका मतलब क्या, डेडलॉक, ठीक है। तो अपने दोस्त को पैसे देने से पहले एकदम सतर्क रहिए, डेडलॉक में आप ना फंस जाए, ठीक है। तो उसी तरीके का यहाँ पे कंडीशन है। तो होल्ड एंड वेट का मतलब क्या, इन कंक्लूजन अगर मैं निकालूं तो जितना मिल रहा है उतना ले लो, उसके बाद फिर वेट करते रहो। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, प्रोसेस इज करेंटली होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स एंड रिक्वेस्टिंग एडिशनल रिसोर्स विच आर बीइंग हेल्ड बाय अदर प्रोसेस। ये बहुत सिंपल सा आइडिया है। फिर है नॉन प्रीएम्पशन। तो नॉन प्रीएम्पशन जैसा कि मैं बताया कि अगर आपको क्या है, वही फिर से एग्जांपल में आते हैं हम लोग के पास क्या है, प्लेट है, स्पून किसी और के पास है, तो हम लोग ऐसा करेंगे क्या, जाके उसको एक लगाएंगे और जाके सीधा उसे स्पून ले लेंगे, बोलेंगे चल यहां से निकल, ऐसा करेंगे क्या, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, जैसा कि मैं बताया। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम हमारे जो प्रोसेस और रिसोर्सेज हैं उन वो भी डेमोक्रेसी ही फॉलो करते हैं। हम लोग किसी से जबरदस्ती नहीं ले सकते, ठीक है, किसी से जबरदस्ती उसका रिसोर्स नहीं छीन सकते।
सकते, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी रिसोर्स कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड, क्योंकि अगर हम लोग छीन लेते तो फिर भैया डेडलॉक की बात ही क्यों करते, ठीक है, ये सब पढ़ते ही क्यों हम लोग। अगर हम लोग जबरदस्ती छीन लेते तो हर एक प्रायर प्रोसेस जाके अपने नीचे वाले प्रोसेस से रिसोर्स छीन लेता और हम लोग कभी डेडलॉक में फंसते ही नहीं हम लोग, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्या है हम लोग का, सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट क्या है, तो बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है, जैसे कि मैं बताया जहां पर भी क्या है एक सर्कुलर लूप बन जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर वेट। जैसा कि P1 P2 के लिए रुका हुआ है, P2 जब होगा P2 के रिसोर्स के लिए रुका हुआ है, P3 के लिए रिसोर्स के लिए रुका है और P3 फिर से P1 रिसोर्स के लिए रुका है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर वेट, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, साइकिल बन रहा है। मतलब कुल मिला के जहां पर भी एक साइकिल बनेगा वहां पे डेडलॉक कंडीशन अराइज हो जाएगी। ईच प्रोसेस मस्ट बी वेटिंग फॉर द रिसोर्स विच इज बीइंग हेल्ड बाय अनदर विच इन टर्न इज वेटिंग फॉर द फर्स्ट प्रोसेस टू बी रिलीज द रिसोर्सेज, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया था हमारा, नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक के पीछे। फिर अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, स्विच करते हैं तुरंत उस पे, ठीक है, तो देखते हैं। तो अपने वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, डेडलॉक हैंडलिंग मेथड के बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्या है भैया डेडलॉक हैंडलिंग मेथड, तो सब अब बात यह आती है कि डेडलॉक को हम लोग को हैंडल करने की जरूरत क्यों पड़ी। अब खुद ही सोचिए, देखिए भैया कि अगर डेडलॉक आ रहा है कि अगर कोई सिस्टम है, मान लीजिए हम लोग की एयरक्राफ्ट वाला सिस्टम है, एयरक्राफ्ट में जो सिस्टम लगा होता है अगर उसमें डेडलॉक लग गया तो क्या उसको हम लोग रिजोल्व करेंगे क्या तभी, ठीक है, तब लगने के बाद देखेंगे क्या नहीं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जहां पे क्या होता है, क्या बोलना चाहिए हम लोग को, बहुत ज्यादा सीवियर केसेस रहते हैं, मतलब जहां पे हम लोग थोड़ी भी गलती करें तो हमारे सिस्टम क्या हो जाए, डेडलॉक के कारण पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मैकेनिज्म बना के रखें ताकि डेडलॉक या तो हो ही ना, या तो अगर हो तो उसको हम लोग रिकवर कर पाए। तो हम लोग को डेडलॉक से हैंडलिंग करना बहुत, डेडलॉक हैंडलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोग के लिए। तो क्या है ये डेडलॉक हैंडलिंग मेथड, तो इसके कुछ मेथड है, अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जैसे अलग अलग अप्रोच होते हैं उसी प्रकार से हमारे डेडलॉक को हैंडल करने के लिए अलग अलग क्या है अप्रोचेस है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, ठीक है। एक किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास दुनिया में सिर्फ ये चार ही मेथड होते हैं, ठीक है, ये चार ही मेथड। पहला ये कि प्रिवेंशन, ठीक है, हम लोग पहले से ही क्या करें, प्रिवेंट करें उसको होने ही ना दे, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रिवेंशन बोलेंगे। अवॉइडेंस मतलब हम लोग क्या करें, थोड़ा लेजी अप्रोच है प्रिवेंशन का, मतलब हम लोग क्या करेंगे उस समय के लिए अवॉइड कर देंगे लेकिन बाद में उस पर काम करेंगे, ठीक है, उस समय के लिए अवॉइड कर दिए, मतलब इससे थोड़ा लेजी अप्रोच है लेकिन यहां पर भी हम लोग को आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अगला है डिटेक्शन एंड रिकवरी, हम लोग जब तक के डेडलॉक लग नहीं जाता, मतलब जब तक प्रॉब्लम हो नहीं जाता उसके बाद फिर हम लोग देखें, प्रॉब्लम होने के बाद देखेंगे उसका सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है। और लास्ट है इग्नोरेंस, कि अगर हम लोग प्रॉब्लम ही ना माने कि प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग को सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ये बहुत सिंपल सा अप्रोच है, ठीक है। अब देखिए ये प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन एंड रिकवरी और इग्नोरेंस को हम लोग समझते हैं। तो कैसे हम लोग समझेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। मान लीजिए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि एक स्टूडेंट, हाँ एक स्टूडेंट जो कि सेमेस्टर्स में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग इसको बहुत अच्छे समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे कि हम लोग के पास, हम लोग जानते हैं कि हमारे क्लास में बहुत टाइप के स्टूडेंट होते हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। तो एक टाइप के स्टूडेंट ये होते हैं जो एकदम टॉपर इंसान लोग प्रिवेंशन अप्रोच को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं कि वो लोग पहले से डे वन से ही चालू कर देते हैं मेहनत करना और पूरे के पूरे एकदम, मतलब सफा चेक कर देते हैं, रट रूट के एकदम पूरा बराबर कर देते हैं। उन लोग की डिक्शनरी में होता ही नहीं है कि फेल बैक नाम का कुछ, तो लोग पहले से ही पूरा क्या करते हैं, प्रिवेंट हो जाते हैं अपने फेलियर या बैकलॉग से। तो वो लोग कौन सा अप्रोच यूज करते हैं, प्रिवेंशन, ठीक है। तो ऐसे टाइप के स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रिवेंशन। अब देख के तो हम लोग को लग रहा है कि सबसे अच्छा अप्रोच यही होगा, ठीक है, अभी हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं। अगला मेथड क्या है, अवॉइडेंस। अवॉइडेंस में क्या है, ये थोड़ा लेजी अप्रोच है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब जरूरत पड़ी तभी हम लोग करेंगे। जैसे एक रात पहले जो पढ़ाई करते हैं वैसे बच्चे लोग, मतलब फेल तो वो भी नहीं होते, ये एक रात पहले जो इंपॉर्टेंट वो पढ़ लेंगे और फेल नहीं होंगे। तो यहां पर भी हम लोग को क्या मिल रहा है, मेन आउटकम इन लोगों का क्या था, मेन आउटकम यहाँ पे अवॉइडेंस में ये था कि फेल नहीं होना है,
कैसे भी करके, ये नहीं था कि 90% ही ले आना है हम लोगों सीधा या फिर जो भी अच्छे रिजल्ट लाना है, ये यहाँ पे था कि फेल नहीं होना है। अब दोनों तो आखिर कहलाएंगे क्या, पास है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग को सोल्यूशन मिला। तीसरा है डिटेक्शन एंड रिकवरी। पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं, अब भाई पढ़ना ही नहीं है, अब पेपर इतना ईजी आएगा, अरे देख लेंगे बाद में, देख लेंगे एक बार पहले देखते हैं पेपर, एक सेमेस्टर निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो एक बार टेस्ट कर लेते, पहले एक बार प्रॉब्लम आ जान देते, पहले एक बार बैक लगवा लेते हैं, उसके बाद अगले सेमेस्टर पे निकालेंगे। तो ये अप्रोच है कुछ स्टूडेंट लोग का, ठीक है, मैं देखा हूँ काफी स्टूडेंट लोग का ये अप्रोच है, ठीक है, पता नहीं क्यों है, ठीक है। डिटेक्शन एंड रिकवरी इस पे बेस्ड है, और लास्ट है इग्नोरेंस, जो कि उसके भी ऊपर लेवल के लोग होते हैं, वो लोग पूरे मतलब मोक्ष प्राप्ति वाले लोग हैं, जो कि समझ चुके हैं सब मोह माया है, पढ़ाई लिखाई सबसे दूर हो चुके हैं, उन लोग पता है कोई रिजल्ट का कोई मतलब वगैरह नहीं है, अब हम लोग को पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। तो वो अप्रोच क्या फॉलो करते हैं, इग्नोरेंस फॉलो करते हैं, वो मानता ही नहीं है कि हम लोग फेल होंगे, मानता ही नहीं है कि हम लोग पास होंगे, हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई से। तो वो क्या करते हैं, इग्नोरेंस, ठीक है, इग्नोरेंस को फॉलो करते हैं। तो भैया अब हम लोग को देख के तो लग रहा है कि सबसे अच्छा प्रिवेंशन होगा, लेकिन उस टॉपर इंसान से पूछ के एक बार देखना कि पूरा साल भर वो कितना मेहनत करता है दिन रात उसके पीछे, तो वो वहां पे क्या, इसका मतलब क्या, ये प्रिवेंशन अप्रोच अगर हम लोग को लगाना होगा तो हार्ड वर्क की जरूरत होगी पढ़ाई के केस में, और सिस्टम में अगर लगाना होगा तो हम लोग को कॉस्ट ज्यादा लगे, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा प्रिवेंशन अप्रोच के लिए। अवॉइडेंस के लिए हम लोग को उससे थोड़ा कम, ठीक है, डिटेक्शन एंड रिकवरी उससे कम, फिर इग्नोरेंस उससे भी कम, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया था हमारे डेडलॉक हैंडलिंग के बारे में, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप इसको देख लीजिए, आपको जरूर ये चीज समझ में आ जाएगी। हम लोग तुरंत स्विच करते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो के साथ, तो अब हम लोग देखने वाले डेडलॉक प्रिवेंशन के बारे में, लास्ट टॉपिक होगा हम लोग का डेडलॉक के ऊपर, ठीक है। बहुत ही अच्छे से हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले डेडलॉक प्रिवेंशन के बारे में, तो क्या होता है ये डेडलॉक प्रिवेंशन, तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या होता है डेडलॉक प्रिवेंशन, हम लोग को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, जो हम लोग का फर्स्ट वाला मेथड था हम लोग को उस पर डिस्कशन करना है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि डेडलॉक प्रिवेंशन क्यों जरूरी है, जैसा कि मैं बताया कि एयरक्राफ्ट सिस्टम में वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि हम लोग डेडलॉक को प्रिवेंट करके रखें, क्योंकि अगर वहां पे हम लोग प्रिवेंट नहीं करेंगे तो वो बहुत घातक हो सकता है सबके लिए। और जैसे हॉस्पिटल्स के केस में बता दिया है, हॉस्पिटल्स के केस में बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हम लोग डेडलॉक प्रिवेंट नहीं कराएंगे वहां के सिस्टम में, और अगर सिस्टम चला गया डेडलॉक में एक घंटे के लिए भी चला गया, तो वो रिजोल्व करते करते उस एक घंटे में कई सारे इंसान भी उसके साथ साथ रिजोल्व हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, पहले से एक डेडलॉक होने ही नहीं देना है, प्रिवेंशन अप्रोच फॉलो करना है ऐसी सीवियर जगह पे, ठीक है। तो हम लोग डेडलॉक को कैसे प्रिवेंट करें, अब डेडलॉक को प्रिवेंट करना बहुत ही सिंपल सी बात है। मान लीजिए डेडलॉक क्या है, डेडलॉक मान लीजिए कोई डेविल वेविल है, कोई डेडलॉक है, इसके चार पैर हैं, क्या क्या पैर हैं, इसके हाथ पैर हैं, इसके जो भी हैं पैर हैं, तो इसके चार पैर वही जो इसके नेसेसरी कंडीशन थी डेडलॉक के लिए, क्या क्या नेसेसरी कंडीशन थी, एक था म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा क्या था हमारा, एक था हमारा नो प्रीएम्पशन, और एक था हम लोग का होल्ड एंड वेट, और लास्ट हमारा सर्कुलर वेट। तो अगर मैं किसी भी एक पैर को भी अगर उसे तोड़ देता हूं तो ये डेडलॉक अगर नहीं होगा, ठीक है, किसी एक को भी अगर मैं प्रिवेंट कर देता हूं होने से, तो हमारा डेडलॉक क्या होगा, नहीं होने वाला उस केस में। तो वही हमारा अप्रोच है कि किसी भी तरीके से क्या करें, हम लोग डेडलॉक को रोक दें, ठीक है। तो डेडलॉक होने से रोकने, तो सबसे पहला हम लोग देखना है म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम लोग रोक सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन जैसा कि हम लोग देख चुके थे क्या था म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक बार फिर से बता देता हूँ कि एक ना एक नॉन शेयरेबल रिसोर्स होना ही चाहिए डेडलॉक होने के लिए। अगर एक भी नॉन शेयरेबल रिसोर्स नहीं होगा तो भैया लड़ाई किस बात की होगी, लड़ाई ही नहीं होगी, कंप्लीटनेस ही नहीं होगी प्रोसेस के बीच में, तो भैया डेडलॉक लगेगा क्या, नहीं लगने वाला। तो बिल्कुल उसी तरीके का है ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो अगर वहां पे हम लोग क्या करें, नॉन शेयरेबल रिसोर्स को अगर शेयरेबल बना देते हैं तो डेडलॉक नहीं होने वाला। तो इन रियल प्रैक्टिस लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक रिसोर्स है ये P1 के पास है,
R2 रिसोर्स P2 के पास है, P2 को चाहिए R1, P1 को चाहिए R2, तो अगर हम लोग क्या कर दें, ये जो है इसको शेयरेबल बना दें, अगर शेयरेबल मैं इसको बना देता हूँ तो भैया लड़ाई नहीं होगी तो डेडलॉक नहीं होगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा रियल वर्ल्ड में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन को क्या कर दें, अवॉइड कर दें। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंप्लीटनेस ही नहीं होगी हमारे प्रोसेस के बीच में, तो हम लोग कैसे बताएंगे कौन सा प्रोसेस कितना प्रायर है, कौन सा प्रोसेस पहले आएगा, कौन सा प्रोसेस बाद में आएगा। तो इन कंक्लूजन अगर मैं निकालना चाहूं म्यूचुअल एक्सक्लूजन का, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम लोग नहीं रोक सकते, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन बना ही रहेगा। हम लोग को बाकी कंडीशन को वॉयलेट करना है, मतलब बाकी कंडीशन को कैसे भी हटाना है, किसी एक को भी हटा देंगे तो हमारा डेडलॉक नहीं होगा, लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम लोग नहीं हटा सकते, ठीक है। तो अब हम लोग अगले देखते हैं, अगला जो पार्ट है इसका, होल्ड एंड वेट को हम लोग अगर कोशिश करते हैं हम लोग अगर वॉयलेट कर पाए तो हमारा डेडलॉक नहीं होगा, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अगले डिस्कशन की तरफ, होल्ड एंड वेट को हम लोग कैसे वॉयलेट कर सकते हैं। देखिए जैसे हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम लोग देख चुके हैं वॉयलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग देखेंगे होल्ड एंड वेट को पॉसिबल है क्या करना। तो देखिए जैसे कि होल्ड एंड वेट मैं बताया था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्या था होल्ड एंड वेट, जैसा कि हम लोग को समझाने की जरूरत नहीं है, होल्ड एंड वेट जितना मिल रहा है पहले उसको होल्ड कर लो और उसके बाद फिर वेट करो जो भी हम लोग को अगला रिसोर्स चाहिए, ठीक है। मतलब पहले होल्ड कर लिए प्लेट, फिर ढूंढने लगे चम्मच, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर डेडलॉक, ठीक है। तो वही है हमारा होल्ड एंड वेट, तो खुद ही सोच के देखिए हम लोग कैसे हटा सकते हैं होल्ड एंड वेट। तो पहला यहाँ पे लिखा है कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच में यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोसेस इज अलाउड टू स्टार्ट इट एग्जीक्यूशन इफ एंड इफ इट हैज एक्वायर्ड ऑल इट्स रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या, ये वही वाला एग्जांपल अगर लेते हैं कि अगर प्लेट और चम्मच है तो हम लोग को प्लेट पहले, हम लोग तभी प्लेट और चम्मच उठाएंगे जब हम लोग को दोनों मिल जाएगा, तब पहले हम लोग देख लेंगे हाँ भैया प्लेट अवेलेबल है चम्मच अवेलेबल है, उसके बाद ही मैं क्या करूंगा वो दोनों को ले लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, प्रोसेस इज अलाउड टू स्टार्ट इट एग्जीक्यूशन इफ एंड इफ इट हैज एक्वायर्ड ऑल इट्स रिसोर्सेज। इसका मतलब जब दोनों में को मिलेगा तभी मैं क्या करूंगा उसको उठाऊंगा, नहीं तो नहीं उठाऊंगा, ठीक है। ये प्रोसेस, ये जो मेथड है कंजर्वेटिव अप्रोच, ये अच्छा तो है लेकिन क्या है, लेस एफिशिएंट है, थोड़ा नॉन इम्प्लीमेंटेबल है, क्योंकि हम लोग की टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा नहीं बोलती, ह्यूमन टेंडेंसी बोलती है कि नहीं जाके पहले उठा लो प्लेट उसके बाद ढूंढने लगो, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटेबल बिल्कुल सेम ऐसा प्रोसेस के लिए, भी बहुत आसानी से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इजी तो है ये बोलने के लिए, तो बहुत इजी सा अप्रोच है, लेकिन क्या है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके बाद फिर क्या है, डेडलॉक इंडिपेंडेंस है, डेडलॉक इंडिपेंडेंस यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर क्या है हमारा डू नॉट होल्ड। डू नॉट होल्ड का मतलब क्या होता है, प्रोसेस विल एक्वायर ओनली डिजायर्ड रिसोर्स बट बिफोर मेकिंग एनी फ्रेश रिक्वेस्ट इट मस्ट रिलीज ऑल द रिसोर्सेज दैट इट करेंटली होल्ड एफिशिएंट एंड इम्प्लीमेंटेबल। इसका मतलब क्या, यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि प्रोसेस विल एक्वायर ओनली डिजायर्ड रिसोर्स बट बिफोर मेकिंग। इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा आइडिया है कि हम लोग क्या करें कि एक ना एक टाइम, अब हम लोग तो लेके खड़े हैं प्लेट, हमारा दोस्त लेके खड़ा है चम्मच, अब एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा कि नहीं भाई हम लोग को छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं मिल रहा है। तो वही बात यहाँ पे किया गया है कि अगर हम लोग को ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करें, हम लोग उसको छोड़ दें, हम लोग उसको ही दे दें, तो ये एक अप्रोच हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेडलॉक नहीं होगा, वो कम से कम वो बेचारा वो तो खा ले, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पे करना चाह रहे हैं, डू नॉट होल्ड, मतलब अगर मेरे को नहीं मिलने वाला उसका रिसोर्स तो मैं उस चीज को छोड़ दूं, ठीक है, डू नॉट होल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, प्रोसेस विल एक्वायर ओनली डिजायर्ड रिसोर्स बट बिफोर मेकिंग एनी फ्रेश रिक्वेस्ट इट मस्ट रिलीज ऑल द resources that it currently hold, efficient है, implementable है, अच्छा approach है, do not hold, hold ही नहीं करो, जो हम लोग को मिलने ही नहीं वाला उसको छोड़ दो, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बोले। फिर हम लोग का क्या है अगला, wait time out। wait time out का मतलब ये है कि एक ना एक टाइम प्रोसेस, हर एक प्रोसेस का क्या होगा, एक फिक्स्ड वेट टाइम होगा, इतने टाइम तक कि वो वेट करेगा, उसके बाद पक्का है कि उसको वो रिसोर्स मिलने वाला है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, वेट टाइम। और वी प्लेस अ मैक्सिमम टाइम अप टू विच अ प्रोसेस कैन वेट। एक प्रोसेस में हम लोग क्या लगा दिए, एक मैक्सिमम टाइम बोले कि भैया तू एक दिन तक के वेट कर, कल तक वो मिलने वाला है, अगर कल नहीं मिला तो तू फिर क्या करते, उसको छोड़ देना। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है कि वी प्लेस अ मैक्सिमम टाइम अप टू विच अ प्रोसेस कैन वेट, प्रोसेस उसके लिए वेट करेगा, और आफ्टर विच प्रोसेस रिलीज ऑल्ड होल्डिंग रिसोर्स, अगर नहीं मिला तो वो होल्डिंग रिसोर्स को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो ये बेसिक आइडिया था हमारा होल्ड एंड वेट का, होल्ड एंड वेट को हम लोग वॉयलेट कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया। और अगला हम लोग देखते हैं नॉन प्रीएम्पशन को हम लोग कैसे वॉयलेट करें, नॉन प्रीएम्पशन को कैसे वॉयलेट करें, देखते हैं। चलिए तो
अपने वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देखने वाले नो प्रीएम्प्शन के बारे में। नो प्रीएम्प्शन इसका मतलब, जैसा कि मैं बताया था, नो प्रीएम्प्शन वहां पे क्या था, नो प्रीएम्प्शन का मतलब कि सभी प्रोसेस का क्या है, फंडामेंटल राइट है, डेमोक्रेटिक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को जो रिसोर्स चाहिए जाके उसको एक लगाए और जाके उससे उसका रिसोर्स छीन लिया, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। हर एक प्रोसेस क्या है, डेमोक्रेटिक है, फ्री है, अपने राइट है उसके पास, तो हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही चीज का हम लोग को यहाँ ध्यान रखना है। तो खुद ही सोचिए कि अगर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते तो डेडलॉक लग रहा था, क्योंकि हम लोग उसे जबरदस्ती नहीं छीन रहे थे। तो अगर हम लोग उसको जबरदस्ती अगर छीन ले तो डेडलॉक लगेगा ही नहीं। तो पहला अप्रोच तो वही हो जाएगा कि फोर्सफुली प्रीएम्प्ट कर दो उसको, इसका मतलब कि उससे छीन लो, मारा पीटी करके उससे छीन लो, वी अलाउ अ प्रोसेस टू फोर्सफुली प्रीएम्प्ट द रिसोर्सेज होल्डिंग बाय अदर प्रोसेस। ठीक है, हम लोग जबरदस्ती जो होल्ड करके रखा है उसको जाके लगाते हैं दो तीन, तो उसके बाद फिर उसे छीन लेते हैं, तो फिर डेडलॉक लगने का चांस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं करना है कि जैसे कि कहावत है कि क्या बोलते हैं उसको, क्या भूल गया, जो भी है, जो भी कहावत है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे फोर्सफुली प्रीएम्प्ट नहीं करना है, वी अलाउ प्रोसेस, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हाँ, ये था कि उससे ही हम लोग को लड़ना है जो कि हम लोग से क्या हो, थोड़ा सुपीरियर ना, सुपीरियर वाले से नहीं लड़ना है, ये कुछ कहावत थी, मैं भूल रहा हूँ अभी। ठीक है, जो आपसे तगड़ा हो उससे नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, तो दिस मेथड मे बी यूज्ड बाय हाई प्रायोरिटी प्रोसेस और सिस्टम प्रोसेस। इसका मतलब क्या कि देखिए, ये जो काम है फोर्सफुली प्रीएम्प्ट करना, मार के एक ले लेना उसे रिसोर्स, ये कौन कर सकता है, सिर्फ प्रायर प्रोसेस ही कर सकती है। ठीक है, एकदम जो नीचे लेवल की प्रोसेस है वो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए ये जो प्रायर प्रोसेस है, सिस्टम प्रोसेस है, ये बहुत जरूरी है हमारे सिस्टम में चलने के लिए। तो ये क्या कर सकती है, जबरदस्ती रोक सकती है दूसरे प्रोसेस को, उसे होल्ड कर, उसका रिसोर्स ले सकती है और हम लोग के काम को करवा सकती है। अब ऐसा क्यों कर रही है, प्रायर प्रोसेस को ही हम लोग ऐसा क्यों हम लोग एडवांटेज दे रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जैसे कि अब सब हैं तो ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सबको इक्वल राइट्स है हमारे डेमोक्रेसी में। लेकिन अगर हम, मैं बोलूं कि आईपीएस ऑफिसर या फिर डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर जो भी है हमारा, वो डिप्टी कलेक्टर क्या करेगा, हमारे लिए काम करता है वो। ठीक है, वो अपने लिए काम नहीं कर रहा है, वो अगर किसी से जबरदस्ती करके वो चीज नहीं करवाना चाहता तो वो हमारे लिए, अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा होगा, वो बाकियों के बेनिफिट के लिए कर रहा है। इसका मतलब क्या, वही हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, सिस्टम प्रोसेस अपने लिए काम नहीं करता, वो पूरे सिस्टम को रन कराने के लिए काम करता है, तो इसलिए वो ऐसा कर सकता है। उसको हम लोग ऐसा राइट दे दिए हैं कि वो फोर्सफुली प्रीएम्प्ट कर ले। ठीक है, फिर क्या है, प्रोसेस विच आर इन वेटिंग स्टेट मस्ट बी सिलेक्टेड एज अ विक्टिम, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रोसेस इन रनिंग स्टेट। तो हम लोग प्रोसेस जो कि जो क्या है, जो कि वेटिंग स्टेट में, जो वेट कर रही है, सिर्फ उन्हीं को हम लोग को ऐसा करना है कि जबरदस्ती उनसे छीन लिए। अब भैया कोई किसी का एकदम सही काम चल रहा है उससे हम लोग क्या जबरदस्ती छीन लेंगे तो ऐसा सही होगा क्या, नहीं होगा ना सही, बिल्कुल उसी तरीके का है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आइडिया, बहुत सिंपल सा अप्रोच है नो प्रीएम्प्शन को कैसे हम लोग वायलेट करते हैं। तो हम लोग लास्ट देखते हैं, अब हम लोग सर्कुलर वेट कंडीशन को कैसे वायलेट करते हैं, वो सबसे तीनों में सबसे अच्छा वो है। ठीक है, तो हम लोग उसको भी तुरंत देख लेते हैं और खत्म करते हैं अपने डेडलॉक वाले टॉपिक को। तो चलिए जल्दी से देखते हैं हम लोग। तो लास्ट हम लोग देखने वाले हैं अपने सर्कुलर वेट को हम लोग कैसे वॉयलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, इसका भी तीन पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो क्या लिखा है यहाँ पे, सर्कुलर वेट कैन बी एलिमिनेटेड बाय गिविंग अ नेचुरल नंबर टू एवरी रिसोर्स। तो भैया हर एक रिसोर्स को क्या करना है, नेचुरल नंबर दे देना है। इसका मतलब क्या है, आसान शब्दों में अगर मैं समझूं तो यहाँ पे क्या है, P1 P2 दो प्रोसेस है मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको जो रिसोर्स देंगे वो हम लोग सेम ऑर्डर में देंगे, R1 R2 R1 R2, ऐसा R1 R2 R1 R2। डेडलॉक पहले हो रहा था, जैसे हम लोग जानते हैं ये रिसोर्स हम लोग का R1 था जो कि था P1 के पास, रिसोर्स R2 था जो कि P2 के पास था, और P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए, P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए, तो वहां पे एक साइकिल बन रहा है, इसलिए सर्कुलर वेट हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, अगर रिक्वेस्ट R1 R2 R1 R2, मतलब अब देखिए P1 को R1 R2 चाहिए, दो P2 को भी क्या चाहिए, R1 R2। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ऑब्वियसली बात है किसी एक को ही मिलेगा। मान लेते हैं हम लोग P2 को पहले R1 मिल गया,
ठीक है, पी टू को आर वन मिल गया, तो क्या पी वन को अब मिल सकता है क्या आर वन? अब पी वन को नहीं मिल सकता आर वन, तो जब आर वन ही नहीं मिलेगा तो आर टू के लिए वो क्या करे, अप्लाई ही नहीं करने वाला हो, ठीक है, आर टू के लिए अप्लाई ही नहीं करेगा, तो पी टू को दोनों मिल जाएगा, और दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेडलॉक होगा ही नहीं। तो यहाँ पे उस लाइन का यही मतलब है, ठीक है, सर्कुलर वेट कैन बी एलिमिनेटेड बाय गिविंग अ नेचुरल नंबर टू एवरी रिसोर्स, नेचुरल नंबर हम लोग को दे देना है हर एक रिसोर्स को, ठीक है, और कुछ इस तरीके का हम लोग वहां पे अप्रोच यहाँ पे डिस्कस किए। अगला टॉपिक क्या, अगला पॉइंट क्या है, अलाउ एवरी प्रोसेस टू आइदर टेक रिसोर्स इन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर मैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे काम करता हूँ, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलने का मतलब यह है, जैसे हम लोग के पास बहुत सारी प्रोसेस है, पी वन पी टू पी थ्री, ठीक है, इस तरीके पी फोर, बहुत सारी प्रोसेस है, मेरे पास रिसोर्स है आर वन आर टू आर थ्री, यहाँ पे मैं क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको जमा दिया। तो अगर पी वन को चाहिए रिसोर्स आर टू, पी टू को चाहिए रिसोर्स आर फोर, पी फोर को चाहिए कुछ रिसोर्स आर सिक्स, तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कोई साइकिल बन रहा है क्या कहीं पे, साइकिल कहीं पे बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है कहीं पे साइकिल, तो साइकिल नहीं बन रहा है तो क्या होगा, अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, साइकिल यहाँ पे बनेगा ही नहीं तो क्या डेडलॉक होगा क्या, नहीं अगर होगा डेडलॉक नहीं होगा, तो ये भी हमारा एक बहुत अच्छा कंडीशन है, ठीक है, ये हो गया ये हो गया। फिर क्या है, इफ अ प्रोसेस रिक्वायर्स, अच्छा यहाँ पे साइकिल कब बन सकता है, साइकिल तभी बनेगा जब क्या होगा, जो अगला प्रोसेस है उसको कम वाला चाहिए, ठीक है, तो हम लोग ऐसा करने ही नहीं दे रहे, ठीक है, कम वाला उसको देंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं हर एक प्रोसेस का जो रिसोर्स है, हम लोग उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करें, अरेंज करें। तो साइकिल जब बनेगा ही नहीं, साइकिल जब बन ही नहीं रहा है तो हमारा डायलॉग होगा क्या, नहीं होगा, तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। और लास्ट पॉइंट ये है, इफ अ प्रोसेस रिक्वायर अ लेसर नंबर वाला प्रोसेस, जो कि यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर अगला प्रोसेस आया P5, ठीक है, उसको लेसर नंबर वाला प्रोसेस चाहिए, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि R1 R11 है, R22 है, R33 है, R44 है, ठीक है, अब हम लोग को कोई ऐसा रिसोर्स चाहिए, मान लीजिए हम लोग को चाहिए R35 वाला रिसोर्स, ठीक है, R35 वाला रिसोर्स अब हम लोग को चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं R35 जाऊंगा तो फिर क्या बनेगा, एक साइकिल बन जाएगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो आगे की जो रिसोर्स है इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, इसको हम लोग को वहां पर से लेना ही नहीं है, हम लोग को फिर से हम लोग को ऐसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाना है, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग R44 को भी रखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा जो कि डेडलॉक हो जाएगा, तो डेडलॉक को हम लोग को अवॉइड करना है। तो R4 जितनी भी प्रोसेस उसके आगे की है, ठीक है, रिलीज उसको करना पड़ेगा, रिलीज रिक्वायर अ लेसर नंबर वाला रिसोर्स, देन इट मस्ट रिलीज ऑल द रिसोर्सेज लार्जर, ठीक है, उससे जो रिसोर्स है जो कि उससे बड़ी है रिक्वेस्ट में, ठीक है, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, और जैसे ही हम लोग उसको रिलीज कर देते हैं तो हम लोग का डेडलॉक क्या होगा, नहीं अकर होगा, मतलब हम लोग वॉयलेट कर दिए सर्कुलर वेट को, और सर्कुलर वेट को एक भी अगर डेडलॉक कंडीशन को हम लोग वॉयलेट कर देते हैं तो हमारा डेडलॉक होने ही नहीं वाला, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे इस पूरे डिस्कशन को यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं हमारे डेडलॉक वाले सेशन को। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए जितना हो सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो होप आपको पसंद आया होगा, थैंक यू, साइनिंग ऑफ विनय मिश्रा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।